हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस 2023 की क्लास में हिस्ट्री के। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर का नाम दिया था? तो किस कारागार को दिया था? ये यरोदा, ठीक है, यरोदा जेल। और ये कहां पर है यरोदा? यरोदा पूना में है, ठीक है, पूना में। और कब जेल गए थे? 1930 में, जब नमक कानून तोड़े थे, साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे, उसके बाद इन्हें यरोदा जेल में रखा गया था और इन्होंने यरोदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी। तो राइट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन है मित्रों? एनी बेसेंट, वैलेंटाइन सिरोल, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो कौन है? ये वैलेंटाइन सिरोल है, ठीक है, इंडिया अनरेस्ट। और एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? ये 1917 में की थी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया मित्रों? 1813, 1803, 1833 में या 1793, तो कब किया गया? ये 1833 के अधिनियम से समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन एक नहीं है? तो क्या नहीं है इनमें से? ऑप्शन देखिएगा, तो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये इस चार्टर एक्ट में नहीं है 1833 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो उपनिषद का फारसी में जो अनुवाद दारा सिको द्वारा किया गया था, ये किस शीर्षक में किया गया था? और दारा सिको कौन था? ये शाहजहां का बड़ा बड़ा वाला पुत्र था, ठीक है, बड़ा पुत्र, और ये सबसे भाइयों में सबसे सुशिक्षित था। तो कौन, क्या, किस नाम से किया था ये मित्रों? सिर ए अकबर, ठीक है, सिर ए अकबर उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कौन था हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, ना कि प्रथम मुस्लिम, ठीक है, तो याद रखिएगा कौन था वो? दारा सिको। और प्रथम मुस्लिम कौन था? अल बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली कहां पर स्थित है मित्रों? ये स्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो किस लिए पहचान की गई बृहत पाषाण स्मारकों की? तो ये किया गया है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, इस स्मारक में जो मृतक होते थे पाषाण काल में, उन्हें दफना दिया जाता था और उसी को बृहत पाषाण स्मारक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो बुक है ये किस विषय से संबंधित है? किससे संबंधित है मित्रों? ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, चिकित्सा से। और चरक जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? चरक, ठीक है, किसके दरबार में? ये कनिष्क के, ठीक है, कनिष्क के दरबारी राजवैद्य थे। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मीर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? ब्राह्मीर की जो पंच सिद्धांतिका है ये किस पर आधारित है, किस विद्या पर आधारित है? ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ठीक है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे?
सिंधु घाटी के लोग जो थे किसमें विश्वास रखते थे, तो किसमें विश्वास रखते थे, ये मातृशक्ति में, ठीक है, मातृशक्ति में ये विश्वास रखते थे। और जो अभिलेख मिले हैं हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता में जो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि इसमें जो मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जिससे यह पता चलता है कि इसमें मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की। अनेक मुहरें और सिक्के मिले हैं जिनमें पशुपति के साक्ष्य मिलते हैं कि इनकी पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है, द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, इस कौन लेखक है इसके, तो देखिएगा कौन लेखक है, ये इसके लेखक कर्जन है, ठीक है, कर्जन, ये जो 1905 में बंगाल विभाजन कराया था वही कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस अभिलेख में, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया, ठीक है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया, तो किससे पता चलता है मित्रों, ये पता चलता है भीतरी स्तंभ अभिलेख से, ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त और जो हूणों के बीच युद्ध हुआ था इसमें, और इसमें पुष्यमित्र का भी जिक्र हुआ है, ठीक है, पुष्यमित्र का भी। और ये भीतरी स्तंभ अभिलेख कहां पर है, गाजीपुर में है, ठीक है, गाजीपुर, गाजीपुर में हुआ है अभिलेख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, शक विजेता किसे कहा जाता है, सही है, शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त, तो किसे कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शकों को हराया था और एक उपाधि धारण की थी शकारी, शकारी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और इसके बाद हूणों को, शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तहेगा विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था, ये 57 BC में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 57 या कहीं कहीं 58 भी देता है, और ये 78 AD क्या है, ये शक संवत है, ठीक है, ये शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके समकालीन थे, सहीगा अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे मित्रों, ये कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, बताइएगा कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, तो किसका था मित्रों, ये तेलुगु का था, ठीक है, तेलुगु का राइट ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी, कृष्णदेव राय किस नगर की स्थापना की थी, ये नागलापुर की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, नागलापुर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था बुद्धू भगत ने, ठीक है, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहां हुआ, सहीगा बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात के बड़ौदा में, ठीक है, गुजरात के बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहां पर है, इनका जन्म कहां हुआ था मित्रों, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था,
कब हुआ था ये? 19 नवंबर 1828 में, 19 नवंबर 1828 में। और मृत्यु कब हुई थी? 18 जून 1858 में। कहां पर? ये ग्वालियर में, ग्वालियर में। और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध पंक्तियां भी हैं कि चमक उठी संसद तावन की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये 1857 के जो विद्रोह हुआ था उनमें इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? बिरजिस कादिर खान, बहादुर कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था ये? खान बहादुर खान थे, ठीक है। और कुंवर सिंह कहाँ कहाँ के थे? ये जगदीशपुर के थे, ठीक है, जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर। और बिरजिस कादिर ये जो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी उनके पुत्र थे, तो ये लखनऊ से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तुकाराम, रामदास, वामन पंडित या नागभट्ट। तो क्या था इनके गुरु का नाम? रामदास था। और इनका राज्यभिषेक कब हुआ था? 1674 में। और तभी से ये छत्रपति की उपाधि धारण किए। और किसने किया था? गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्यभिषेक कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, बताइएगा जो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? किसके प्रशासन में थी ये मराठा प्रशासन में थी, ठीक है, मराठा प्रशासन में। इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? सही है, कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो कौन है वो? ये लॉरेंस है, जॉन लॉरेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, कहेगा अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? किसके शासनकाल में? ये मेयो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, मेयो के शासनकाल में। और कब हुआ था? 1872 में हुआ था, ठीक है, 1872 में प्रथम जो जनगणना थी ये मेयो के शासनकाल में हुआ था। और जो नियमित जनगणना थी ये 1881 में शुरू हुआ, ठीक है, 1881 में। और किसके? ये रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी ये? 15 अगस्त 1906 में हुई थी, ठीक है, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडलर आयोग संबंधित था, ठीक है, सेडलर आयोग किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था ये? शिक्षा से संबंधित था सेडलर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, इन कथनों से कौन सा एक सही है? तो देखिएगा आप सभी लोग, ये इनमें से ये डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स, ठीक है, फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था, ठीक है, याद रखिएगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके जो कोच्चि अपने अधीन कर लिया और उसमें फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। राइट ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था भारत में? तो क्या राज था इनका? ये कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, ठीक है, पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ठीक है, इसलिए ये सफल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे वो? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था? ये 12 जनवरी 1863 में। कहां पर? ये कोलकाता में हुआ था,
कोलकाता। और इनकी जो मृत्यु थी वो कहां हुई थी? ये 4 जुलाई 1908, ठीक है, बेलूर मठ में हुई थी। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण इनके गुरु थे, मिशन की स्थापना, और इसके साथ अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी, अद्वैत आश्रम की स्थापना। और इन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन था 1893 का शिकागो में, इन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो कब दिया था भाषण उन्होंने अपना विश्व धर्म सम्मेलन में? ये 1893 में दिया था, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजकुमार ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था? तो कौन अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था बताइएगा। तो इनमें दो ऑप्शन है, एक तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके बैठा था, और दूसरा उदयन भी फिर अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक है, ये उदयन नहीं है, ठीक है, ये गलत होगा, ये तो उदयन है, तो ये नहीं होगा, केवल अजातशत्रु होगा, ठीक है, और इसका पुत्र जो उदयन था, उदयन ये अपने ये अजातशत्रु की पिता करके हत्या करके अपने पिता की फिर ये भी गद्दी पर बैठा था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? किस वंश ने किया नंद वंश के बाद? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का शासन, ठीक है, मगध पर मौर्य वंश का शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बताइए जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है पुस्तक को किससे संबंधित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ये शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, क्योंकि ये पूरी जो अर्थशास्त्र है, नाम भले ही इसका अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति पर आधारित है, तो यानी शासन के सिद्धांत की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? सही क्या, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय, ठीक है, भीम द्वितीय, और इन्हें मूलराज द्वितीय भी कहते हैं, मूलराज द्वितीय भी। ये कहां के राजा थे? ये गुजरात के, ठीक है, गुजरात के। इन्होंने अपनी माँ नायिका देवी के नेतृत्व में जो है इससे युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी को, और बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया था? तो किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में, ठीक है, चंदावर के युद्ध में। और कब? 1194 में, 1194। और जयचंद कहां का राजा था? ये कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा। और त्राइन का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1191 में, और द्वितीय युद्ध 1192 में। और प्रथम त्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये मोहम्मद गोरी को पराजित किए थे, और 1192 में मोहम्मद गोरी ने इनको पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बौद्ध स्थल तपोमठ अवस्थित है? तो किस राज्य में तपोमठ स्थित है मित्रों? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, बौद्ध एक स्थल है, तपोमठ वहां पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले सेशन में, और अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।